हेलो स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल टुडे वी स्टार्ट अ न्यू लेसन सो चिल्ड्रन टेक आउट योर बुक न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन ओपन पेज नंबर सिक्स वन सिक्सटी वन लेसन नंबर नाइन ईज एम आर हैज़ हैव इस लेसन में हम देखेंगे ईज एम आर हैज़ हैव का यूज़ हम कहाँ पर और कैसे करते हैं लेट्स टू कुबू इज अ लिटिल काफ रीड वॉट ही हैज टू से आई एम कुबू ये कुबू है जो काउ का बेबी है दिस इज काफ काउ के बेबी को क्या कहते हैं काफ कहते हैं दिस इज माई मदर ये बोलता है ये मेरी मम्मी है दिस इज द शेड वेयर वी लीव काउ कहाँ रहती है शेड में तो कूबू बताता है कि यह व शेड है जहां मैं रहता हूं दोज आर दर काउज ये दूसरी काउज है आई लाइक द ब्लैक काफ देयर मुझे ये ब्लैक काफ बहुत अच्छा लगता है ही इज माई कजिन यह मेरा कजिन है वी वर ऑलवेज टूगेदर हम हमेशा साथ रहते हैं नोटिस हाउ इज एम एंड आर हैव बीन यूज अब आपने नोटिस किया यहां पर ए इज एम आर कैसे यूज़ किया गया है और कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है लेट्स लर्न एम इज ऑलवेज यूज विथ आई ए एम एम हमेशा आई के साथ यूज होता है सिंगल पर्सन के लिए वी यूज इज फॉर वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इसका यूज हम एक पर्सन के लिए एक जगह के लिए किसी एक एनिमल के लिए या किसी एक वस्तु थिंग के लिए यूज़ करते हैं इस कैन बी यूज विथ ही शी इट दिस एंड दैट इसका यूज़ ही शी इट दिस एंड दैट के साथ भी किया जाता है वी यूज़ आर फॉर मेनी पर्सनस प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स आर ए आर ई आर आर का यूज मेनी पर्सन जब एक से ज्यादा पर्सन हो एक से ज्यादा प्लेसेस हो एक से ज्यादा एनिमल हो या एक से ज्यादा थिंग्स हो उनके साथ हम ए आर ई आर का यूज करते हैं आर कैन बी यूज विथ यू वी दे, देस दोज और आर का यूज हम किसके साथ में करते हैं यू वी देस दोज यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म दे रखा है उसमें बताया गया है एम एम आई एस इज ए आर ई आर का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है लेट स्टार्ट आई एम निशी आई एम अ गर्ल आई एम अहमद आई एम अ बॉय आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पे आपने देखा एम का यूज ऑलवेज आई के साथ किया जाता है एम ए एम एम का यूज हमेशा आई के साथ किया जाता है खुद के लिए किया जाता है इसी तरीके से आई एस इज़ शी इज अ गर्ल ही इज अ गुड बॉय इट इज अ सनी डे दिस इज माई ब्रदर देट इज योर बैग इसका यूज शी ही इट दिस डेट के लिए किया जाता है या सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है ए आर ई आर यू आर अ गर्ल वी आर स्टूडेंट्स दे आर टीचर्स दीज आर माई बुक्स दोज आर हर शूज यहां आर का यूज एक से ज्यादा के लिए प्लूरल नाउन्स के लिए यू वी दे देस दो के लिए किया जाता है लेट्स प्रैक्टिस यूज इज एम आर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं उन्हें कंप्लीट करना है इज एम आर का यूज करके आई एम किटी दिस इज माय ब्रदर ही इज़ ओल्डर देन मी दे आर आवर पेरेंट्स वी आर ऑलवेज टूगेदर दीज आर आर अदर फ्रेंड्स शी इज बालाज रघु दिस इज बिल्लू बाला रघु एंड बिल्लू आर लॉय क्लब लाइक मी एंड माई ब्रदर सो चिल्ड्रेन कैन यू अंडरस्टैंड अब आप समझ सकते हैं कि ईस एम आर का यूज हम कहाँ करते हैं एम का यूज़ हम खुद के लिए करते हैं जब हम अपनी बात करते हैं इसका यूज़ करते हैं ही शी इट दिस डेट के लिए या सिंगुलर पर्सन के लिए करते हैं आर का यूज होता है यू वी दे दीज दोस्त के लिए या एक से ज़्यादा पर्सन के लिए प्लूरल पर्सन के लिए लेट्स डू रीड मोर अबाउट द लायन कब्स एंड देयर पेरेंट्स लीजा इज अ लायनेस She has five cubs. The cubs play a lot. They have fur on their body. They have sharp teeth and nails. Lions have long hair on their neck. They have hair around their face. Lisa has no hair. The cubs do not have hair. The cubs' father Leo has thick hair. ओनली बिग लायंस हैव हेयर इन द पैराग्राफ यू हैव जस्ट रीड हैव एंड हेज है टू डिस्क्राइब वॉट द लायंस हैव और डू नॉट हैव रीड द पैसेज अगेन टू चेक दिस इस पैराग्राफ में दे रखा है कि लायन के पास में क्या है और क्या नहीं है तो उसमें बताया गया है कि हैव और हैज़ का यूज़ हमने कैसे की किया गया है हैव और हैज का यूज़ किस तरीके से लॉयन को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है कि लॉयन के पास में क्या है और क्या नहीं है लेट्स लर्न हैज़ इज़ यूज विथ वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग हैज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं जब हम एक पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग की बात करते हैं इट कैन बी यूज विथ ही शी दिस एंड दैट और हैज का यूज किसके साथ भी किया जा सकता है ही शी इट दिस एंड दैट के साथ भी किया जाता है हैव ही यूज विथ मैनी पर्सनस प्लेसेस एनिमल और थिंग्स हैव का यूज हम एक से ज्यादा पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के लिए करते हैं इट इज यूज विथ आई यू वी दीज एंड दो और इसका यूज आई यू वी दीज एंड दो के साथ भी किया जाता है यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म दे रखा है उसमें बताया गया है हैज और हैव का यूज हम कैसे करते हैं लेट्स स्टार्ट लक्ष्मी हैज अ नाइस स्माइल लक्ष्मी के पास में एक बहुत अच्छी स्माइल है शी हैज थ्री स्टोरी बुक्स उसके पास में तीन स्टोरी बुक्स है अउस हैज़ शार्प टीथ एक माउस है उसके पास शार्प टीथ है द बुक हैज़ एन ऑरेंज कवर बुक पर ऑरेंज कलर कलर का कवर लगा हुआ है द होटल हैज़ मैनी रूम्स एक होटल में बहुत सारे रूम है यहाँ पर हमने नाम के साथ में शी के साथ में एनिमल के साथ में बुक के साथ में सिंगल पर्सन के साथ में सिंगल थिंग के साथ में सिंगल एनिमल के ना साथ में हैज़ का यूज़ किया है अब देखते हैं हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं रमित रेखा एंड रतन हैव फाइव मैंगोज टू शेयर रमित रेखा और रतन के पास में पांच मैंगो है शेयर करने के लिए फाइव मैंगोज़ हैं शेयर करने के लिए तब हम यहाँ एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं मैनी पर्सनस हो गए लायंस हैव शार्प टीथ लायंस बहुत सारे लायन हैं जिनके शार्प टीथ है आई हैव नाइस फोटोग्राफ ऑफ लायंस हम मेरे पास में बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफ है किसके लायन के क्योंकि आई के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं यू हैव सम फोटोग्राफ्स टू क्या तुम्हारे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स है यू के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं वी हैव अ प्लान टू गो ऑन अ ट्रिप जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तब भी हम हैव का यूज करते हैं लेट्स प्रैक्टिस फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग हैज एंड है माई अंकल हैज अस हाउस आई हैव कॉइंस फ्रॉम मैनी कंट्रीज रोहिनी हैज मैनी फ्रेंड्स जेब्रास हैिप्स ऑल ओवर देयर बॉडीज अजराफ हैज अ लॉन्ग नेक नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर हैज अब यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं उसमें आपको इज एम आर हैज का यूज करना है आई एम सिक्स इयर्स ओल्ड आई हैव टू ब्रदर्स अमन एंड रमन माई ब्रदर अमन हैज अ येलो शर्ट अमन एंड रमन आर थिन बोथ हैव लॉन्ग लेग्स My mother is also tall. I have red shoe. I love them. I have black hair like my father. My mother has the sweetest smile. We have a lovely family photograph.